हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टारगेट बीपीएससी पैसोटी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए हम आपके लिए फिर कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं दोस्तों। हम आपको कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन उसमें कॉमन मिले। दोस्तों आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए जानवरों एवं पौधों की संरचना का, ऑप्शन बी मानव अंगों के क्रियाकलाप का, ऑप्शन सी पशुओं के व्यवहार का, ऑप्शन डी कोशिकाओं और ऊतकों का। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जानवरों एवं पौधों की संरचना का एटोनॉमी विज्ञान की शाखा में अध्ययन किया जाता है। दोस्तों आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ओंकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी स्तनधारी, ऑप्शन डी मिट्टी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैंसर, जो है ओंकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। दोस्तों आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, न्यूमिटेरिज्म किसके अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन ए सिक्कों से, ऑप्शन बी संख्याओं को, ऑप्शन सी टिकटों की, ऑप्शन डी अंतरिक्ष की। दोस्तों इसका सही आंसर होगा न्यूमिटेरिज्म, जो है सिक्कों से संबंधित अध्ययन को बोला जाता है। दोस्तों आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, यूजेनिक्स किसके अध्ययन संबंधित है। ऑप्शन ए मानव जाति की विभिन्न नस्ल से, ऑप्शन बी पौधों की अनुवांशिकी से, ऑप्शन सी यूरोपीय क्षेत्र के लोगों से, ऑप्शन डी अनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूजेनिक्स जो है अनुवांशिकी घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन के कारण के अध्ययन को यूजेनिक्स कहा जाता है। दोस्तों आज का पांचवा क्वेश्चन है, ओर्निथियोलॉजी है। ऑप्शन ए पौधों का अध्ययन, ऑप्शन बी हड्डियों का अध्ययन, ऑप्शन सी शोरगुल का अध्ययन, ऑप्शन डी पक्षियों का अध्ययन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पक्षियों के अध्ययन को ओर्निथोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों आज का हमारा छठवां क्वेश्चन है, एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन संबंधित है। ऑप्शन ए इंडोडर्मिस रोग के, ऑप्शन बी डर्मिस रोग के, ऑप्शन सी महामारी रोग के, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महामारी रोग को एपिडेमियोलॉजी के अध्ययन को कहा जाता है। दोस्तों आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। ऑप्शन ए कैलोरी में, ऑप्शन बी सेल्सियस में, ऑप्शन सी केल्विन में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, बताइए, भोजन में उपस्थित ऊर्जा की को माना जाता है। हम आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैलोरी, भोजन उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। दोस्तों आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी पारा वाले थर्मामीटर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर को सापेक्ष आर्द्रता के मापने के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आज का हमारा नवा क्वेश्चन है, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लैक्टोमीटर को दूध का घनत्व मापने के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आज का हमारा अंतिम और दसवां क्वेश्चन है, बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए जी ओम मीटर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी स्पेक्ट्रोमीटर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ओम मीटर को बिजली के प्रतिरोध मापने के उपकरण में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और बताइएगा कि और क्या सुधार किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने